नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीनिया आपके साथ। चलिए नजर आते हैं आज के अंकों पर। इसराइल को लेबनान पर हमले की नहीं दी थी सहमति, अमेरिका ने खबरों को गलत बताया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ सतीदुद्दीन को किया ढेर, ईरान कमांडर भी घायल। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका को राहत, नई सरकार ने ऋण पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा में वोटिंग के बीच बीजेपी का बड़ा एक्शन, नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल सहित चार नेताओं को पार्टी से निकाला। इंडिगो एयरलाइंस का सिस्टम तकनीकी दिक्कत के चलते हुआ धीमा, उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित। आरजे कर रेप केस से कुछ नहीं सीखा, बंगाल में 9 साल की बच्ची की हत्या के मामले में सुवेंदु ने ममता सरकार को घेरा। कोर्ट ने खारिज की चुनावी बॉन्ड योजना के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं, कहा रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं। मार्शल बहाली के मुद्दे पर दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा, सौरभ ने पकड़े बीजेपी विधायकों के पैर। बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, महाराष्ट्र में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस को अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा। 10 साल में 65,000 साइबर फ्रॉड, इंदौर में ही डिजिटल अरेस्ट की 27 केस, तैयार होंगे 5,000 साइबर कमांड। 49वें वार्षिक महोत्सव की तैयारी में जुटी आईआईटी दिल्ली, पाकिस्तानी शरणार्थी बच्ची देंगी प्रस्तुतियां। धामी सरकार के 3 साल में बनाई 1,481 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क। दिल्ली में बस मार्शल को हटाए जाने पर आपका विरोध, एमएलए सौरभ भारद्वाज समेत कई आप नेता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जैन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी, अहिल्या बाई के नाम पर दशहरा पर शस्त्र पूजा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 33,000 करोड़ की सौगात, लाडली बहनों ने लाडला भाव कहकर किया स्वागत। SBI रिक्रूटमेंट 2024, SBI ने बढ़ाई तारीख, अब 14 अक्टूबर तक करे SEO भर्ती के लिए आवेदन। शिमला कोर्ट ने दिया अंजलि मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश, अवैध निर्माण पर था विवाद। स्पाइस जेट संकट, कर्मचारियों की PF रकम के साथ खेल, प्रमोटर अजय सिंह पर FIR दर्ज। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024, पाकिस्तान की हार से बनेगा रास्ता, ये है टीम इंडिया का सेमीफाइनल सिनेरियो। निवेशकों को मिला छपरफार रिटर्न, 1.65 रुपए के शेयर ने एक साल में दिया 507 गुना प्रॉफिट। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।